जो जितना ज्यादा पाप करता आपको दिखाई देगा कि अरे ये तो पाप करता पर बड़े मजे में है, और ये आदमी जो इतना बेचारा सदाचारी है, पुण्य कर रहा है, अच्छाई में इसका मन, उसको देखोगे कि वो बड़ा परेशान है। होता है ऐसा कभी कभी? क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है, जैसे एक किताब है अंग्रेजी में, द यू टर्न ऑफ लाइफ, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है कि एक यू, जैसे यू होता है ना यू, उस शेप का एक पाइप है, उसमें आधे में पाप भरे हुए हैं और आधे में पुण्य भरे हुए हैं सबके जीवन। अब होता क्या है कि जब हम पाप और करने लगते हैं तो जिस तरफ पाप भरे उस तरफ पाप और इकट्ठे होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं, और जब यहाँ से पाप इकट्ठे होते जा रहे हैं तो वहाँ पाइप से बाहर क्या निकलेगा? पुण्य, क्योंकि इस तरफ पुण्य है, पाप भरते जा रहे हैं और पुण्य बाहर निकलते जा रहे हैं। व्यक्ति जब ज़्यादा पाप करता है तो थोड़े बहुत जो उसके पुण्य पिछले बचे हैं वो बाहर निकलते हैं और हमें दिखता है ये तो बड़े आनंद में जी रहा है, इसके पास तो देखो गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पर ये नहीं देख रहे कि अब उसके पाइप से, उसके जीवन से पुण्य तो खत्म होते जा रहे, निकलते जा रहे, पाप भरता जा रहा है, और एक दिन पूरा जो जीवन है वो पाप से भर जाएगा, और फिर जब अगला जन्म मिलेगा ना तो फिर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कर्मों के विधान से कोई नहीं बच सकता, ये पक्का है। पुण्य जो होता है ना, पुण्य वो होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में क्या होता है? डेबिट कार्ड में होता है कि आपको पहले पैसा पे करना पड़ता है और बाद में फिर आप उसको खर्च कर सकते हो। लेकिन जो पाप होता है उसमें उल्टा है, यहाँ पहले आप इंजॉय करो, मस्ती करो, बाद में आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसको क्रेडिट बोलते, क्या बोलते हैं? कि मैं उल्टा बोला है, ऐसे ही कुछ है, मतलब पहले प्री पेड और पोस्ट पेड। तो पाप जो है उसमें पहले तो दिखेगा बड़ी मस्ती में भैया, बड़ा आनंद में, पर बाद में फिर बिल आएगा ना जब लंबा छोड़ा। एक मैं ऐसे ही विनोद में सुनाती हूँ कई बार, कि एक होटल था, उस होटल रेस्टोरेंट में बाहर बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ मन चाहा भोजन करिए, भर पेट भोजन करिए, और आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो बिल है वो आपके पोते चुकाएंगे। तो आप तो महाराज, एक गया कोई रायपुर का छत्तीसगढ़ वाला बड़ा समझदार बन के कि हम खाएंगे आज तो एकदम पेट भर के, पैसा तो देना नहीं है। तो उसने जा कर के पहले महाराज ऑर्डर किया, स्टार्टर ऑर्डर किए, फिर बढ़िया मेन कोर्स में चाइनीज़, ये फलाना, पिज़्ज़ा, बर्गर सब मंगवाया, फिर अंत में डेजर्ट मंगवाया, मीठा कुछ खाया, आइसक्रीम खाई, खूब बढ़िया पेट भर के जैसे वो जाने को तैयार हुआ तो वेटर ने आके उसके सामने बिल रख दिया। तो एकदम गुस्सा हो गया कि ये क्या बात हुई, तुमने तो बाहर दरवाजे पर लिख रखा कि यहाँ पर कोई बिल नहीं होता, कितना भी खाओ कोई बिल आपके पोते चुकाएंगे। तो वेटर ने हंस के कहा, साहब जी आपका बिल थोड़ी है, ये आपके दादाजी का बिल है, आप तो फ्री में खा के जा रहे हो। यही है कर्म, बिल तो चुकाना पड़ेगा, चाहे ऐसे चुकाओ चाहे वैसे चुकाओ, बचोगे नहीं। चाहे कितनी भी बचने की कोशिश करो कि फ्री में मुफ्त की रोटी खा लें, नहीं खा सकते, सबको भुगतान करना पड़ेगा अपने कर्मों। अभिमान वाले को अभिमान का, क्रोध वाले को क्रोध का, कामी को काम का, हर व्यक्ति को हिसाब देना पड़ेगा, पूछा जाएगा भगवान के द्वार पर क्या किया तूने, संसार में जाके क्या पाया तूने, क्या योगदान दिया। चल तू ये बता, क्या धरती पर तू बोझी बनने गया था? क्या बस खाने सोने, क्या इसीलिए गया था? तेरा योगदान क्या रहा संसार को, समाज को? तूने अपने जीवन के लिए क्या किया?
इस हिसाब के लिए, इस जवाब देने के लिए सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए। मृत्यु कभी भी किसी भी समय किसी की भी आ सकती है। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, छोड़ो वहां। कभी भी किसी भी समय मृत्यु आ सकती है, और जब मृत्यु आएगी तो ये हिसाब जरूर पूछा जाएगा। एक एक क्षण का हिसाब लिया जाएगा, एक एक क्षण का। लेकिन हम क्षण छोड़ दीजिए, घंटे छोड़ दीजिए, हमारे तो सालों साल ऐसे ही जा रहे हैं बेकार में, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी काम के, बिना किसी हरि भजन के, बिना सत्संग के, बस सो रहे हैं, फिर जग जाते हैं, फिर सुबह सुबह खा लेते हैं, फिर नौकरी पर चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जग जाते हैं, फिर खाते हैं, बस इसी में चक्कर चला हुआ। मतलब क्या, मतलब क्या छोड़ दें दुनियादारी? बोले नहीं, रहो संसार में, करो काम संसार का, पर ये मत भूलो ठाकुर जी ने हमें इस दुनिया में एक उद्देश्य लेकर के भेजा है। याद रखना, इस मानव जीवन के अलावा हम देवता भी बन जाए ना, तो देवता बन के भी भगवान को नहीं पा सकते हैं। देव योनि में पुण्यों को भोगा जा सकता है, पर भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान की शुद्ध विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध प्रेम को नहीं पाया जा सकता। विशुद्ध प्रेम चाहिए तो मानव बनना पड़ेगा, और किसी संत के चरण में बैठ करके भक्ति का पाठ सीखना पड़ेगा, तभी समझ आएगा कि ये क्यों जीवन प्राप्त हुआ है। भूले भटके भटकते भटकते 84 के चक्करों में न जाने कितने जन्म बीत गए। शास्त्र पढ़ते ना तो रोंगटे खड़े हो जाते। शास्त्र कहते तुमको पता है कितने कितने हजारों सालों तक पहाड़ बन के, पर्वत बन के हम खड़े रहे। कभी हम कई कई वर्षों तक पेड़ बन करके खड़े रहे, कभी चींटी बने, कभी मक्खी मच्छर बने, न जाने क्या क्या गति हुई हमारी। तब जा करके कबहूक करी, कबहूक कृपा करी, करुणा नर देही, कभी भगवान कृपा करके ये मानव देह हमें एक बार दे दिया कि जा पाले तू मुझे, कर ले तू मेरा भजन।